राम राम किसान भाइयों, तो कैसे आप सब। आज मैं सीखो दिखाने वाला हूँ एक लग्जरी ब्रांड, जो कि आपने ओडी बीएमडब्ल्यू होगी, लैम्बोर्गिनी होगी, बुगाटी होगी, आपने ऐसी ब्रांड तो बहुत सुनी होगी। लेकिन गाइस ये एक ट्रैक्टर की ब्रांड है जो कि एक लग्जरी ब्रांड के अंदर आती है, जिसका नाम है ये ड्यूज फार्म। और ये 55 HP के अंदर ये जो ट्रैक्टर ये आता है। और जाने की कंपनी से ना ये ट्रैक्टर में औरों से अलग क्या है, इसको ना औरों से अलग वो क्या बना रही है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और आज हम यहाँ पोस्ट करने वाले हैं। हेलो भैया। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? बढ़िया भैया, आप अपने सुनाओ। बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो उस बताओ अपने बारे में और अपने ब्रांड के बारे में, मतलब कि पता नहीं था लोगों को इस हार के अंदर इस बारे में। अच्छा जी, मेरा नाम दीपक देशवाल है, मैं शाम्बे ड्यूज फार ट्रैक्टर हिसार से बोल रहा हूँ। ठीक है सर। और जो हमारे पास जो ब्रांड है वो है ड्यूज फार ट्रैक्टर, जो कि एक जर्मन ब्रांड है, जर्मनी बेस्ड कंपनी है। और जो ड्यूज फार के 4 प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो SDF एक ग्रुप है, शाम्बे ड्यूज फार का जो ग्रुप है उसके अंदर शाम्बे ड्यूज फार, लैम्बोर्गिनी, हुरलीमैन, ये 4 ब्रांड रहते हैं इसके अंदर। और जो इंडिया में देती है वो ड्यूज फार देती है यहाँ पे इंडिया में। मुझे लैम्बोर्गिनी ब्रांड ही आएगी ट्रैक्टर की इंडिया के अंदर। जो लैम्बोर्गिनी है उसने स्टार्टिंग में ट्रैक्टर बनाया था, उसके बाद में लैम्बोर्गिनी गाड़ी बनी थी। तो ये ब्रांड वही है जो लैम्बोर्गिनी आपने सुना होगा गाड़ियों के अंदर, जिसकी कॉस्टिंग 2.5 करोड़ से स्टार्ट होती है। लग्जरी ब्रांड है सर ये आम ट्रैक्टरों के मुकाबले। अच्छा, इसी क्या कॉस्टिंग रहती होगी भैया? ये वैसे 55 HP में 8,70,000 से स्टार्ट हो गए, अलग अलग रेंज रहता है। 9.5 लाख का ये मॉडल है आपके सामने। एट शोरूम? हाँ जी, एट शोरूम। आपके ट्रैक्टर में मेन फैक्ट क्या है औरों से? जैसे कि जमींदार ट्रैक्टर लेता है उस टाइम पे क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर थिंग, एक चीज़ देख के ट्रैक्टर लेता है, या अपने आस पड़ोस में जो ट्रैक्टर होते हैं उनको देख के लेता है। तो ये ट्रैक्टर और ट्रैक्टरों से अलग इसलिए है, जो जमींदार को चाहिए पावर भी चाहिए, लिफ्ट कैपेसिटी भी चाहिए, ठीक है जी, PTOSP भी चाहिए जमींदार को, और फ्यूल इफिशेंसी भी चाहिए, मेंटेनेंस लो भी चाहिए। ये सारी चीज़ें इस ट्रैक्टर के अंदर आपको अवेलेबल रहेगी। अच्छा, हम पहले देख रहे हैं इसके ना ये फ्रंट से, तो मैं फ्रंट से ना इसमें क्या मिल रहा है और अलग? जैसे कि आपने शेप देखा होगा, एरोडायनामिक शेप रहता है इसका, जैसे एरोप्लेन होता है उसी टाइप से। यहाँ पे जाली लगी रहती है जो इनहेल करती है, एयर को ज़्यादा सक करती है, जिससे कूलिंग फास्ट रहती है इसकी। और दूसरी बात, जैसे कि ये शो है, इस पर विजिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी आगे। एयर क्लीनर जो वेट क्लीनर होता है गीले वाला, वो नहीं रहता, साइड में साइलेंसर रहता है, विजिबिलिटी ज़्यादा रहती है कस्टमर के लिए। जो फोरम में जो होता है ट्रैक्टर, वैसे इसका ये लुक आ रहा है इंडिया के अंदर? हाँ सर, ये MNC कंपनी का ही ट्रैक्टर है, जर्मनी का है। और जर्मनी की एक खासियत रहती है, हर कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में, जो स्पीड के साथ सभी ट्रैक्टरों की या व्हीकल्स की माइलेज घटती है, इस ट्रैक्टर की स्पीड्स भी मिलेगी आपको अच्छी औरों से, और माइलेज भी अच्छी मिलेगी और ट्रैक्टरों से आपको। भैया जैसे ना इसके ना और जो आते हैं ट्रैक्टर, उनके अंदर ना ये LED बल्ब मिलते हैं, इसमें हैलोजन बल्ब है, तो क्या कारण उसका? दरअसल क्या रहता है सर, जो LED बल्ब होते हैं उसकी लाइट स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, फोकस नहीं बन पाता। इसके अंदर ट्यूब रहती है LED के मुकाबले में, जो LED होती है एक शोशेबाजी रहती है, लगभग उसका इतना यूज़ नहीं रहता जमींदार में। ये डमी प्लग है सर, अगर जो फॉग लैंप लाइट लगानी रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, एनी टाइम लगा सकता है, ये मॉडिफिकेशन स्टैंडर्ड रहती है इनकी ट्रैक्टर के अंदर। ये आपके ब्रांड का लोगो है? हाँ, ये ड्यूज फार का ब्रांड का लोगो है सर। भैया इसमें ना बैटरी हमें अंदर मिल रही है, औरों में क्या होता है लोग बाहर मिलती है। मैं जिस भी किसान भाई से मिलता हूँ ना, वो बैटरी कहते ही बाहर होनी चाहिए, और आपने मेरे को एक बात बोली थी कि इसकी ना बैटरी ना ये रस नहीं खाएगी, क्या कारण है उसका? रीज़न क्या रहता है, जो बैटरी होती है, जैसे कि ट्रैक्टर परचेज करता है जमींदार, लगभग कस्टमरों का सुनने में आता है कि 1 से 1.5 साल के अंदर बैटरी जल्दी से ख़राब हो जाती है ट्रैक्टरों की। जो हमारे ट्रैक्टर की बैटरी रहती है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, उसके पीछे रीज़न रहता है। अगर ये बैटरी आगे है, इसकी बजाय साइड में रहेगी, तो साइड में रहने से क्या होगा, जो ट्रैक्टर स्टार्ट रहेगा और काम करेगा तो हीट जनरेट होगा इंजन से, जो हीट जनरेट होगा वो बैटरी को साइड में मिलेगा, तो हीटअप होएगी बैटरी, हीटअप होएगी तो वेपोरेशन प्रोसेस रहता है, वाष्पीकरण, जिससे क्या होता है कि जो ब्रीथर रहते हैं बैटरी के अंदर उसमें से लिक्विड कम हो जाएगा, तो एक सेल में अगर कम हो जाता है तो जमींदार उसको गौर नहीं कर पाता, जैसे वो स्टार्ट करता है फील्ड में ले जाता है ट्रैक्टर को, तो उस तरीके से क्या, एक सेल में लिक्विड कम हुआ तो उसकी लाइफ
कम हो जाएगी बैटरी की, और हमारे में एक साइड की बजाय आगे इसलिए दी, एक तो हीट कम मिले इसको बैटरी को, कूलिंग ज़्यादा रहे बैटरी की, दूसरी बात जो और अदर ब्रांड बैटरी देते हैं उससे भी ये बैटरी अलग है। जैसे आप देखोगे और ब्रांड के अंदर ब्रीथर की बैटरी होती है, ब्रीथर लगा होता है ऊपर, इसके अंदर सील्ड दे रखा है कंपनी ने, अगर वेपोरेशन प्रोसेस बनती है तो जो लिक्विड है इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, और जैसे ही कूल होएगी बैटरी, ठंडी होएगी, तो वो लिक्विड अंदर का अंदर रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, जिससे लिक्विड कम नहीं होगा तो बैटरी की लाइफ कम नहीं होगी। एक और रीज़न रहता है इसकी बैटरी की लाइफ बढ़ने का, जैसे कि जो ट्रैक्टर है लगभग अदर ब्रांड के ट्रैक्टर हैं 450 रोटेशन पे स्टार्ट हो पाते हैं, लंबा सेल्फ लेते हैं, ये ड्यूसफार का ब्रांड 150 रोटेशन पे स्टार्ट हो जाता है, 150 रोटेशन पे स्टार्ट होएगा तो लंबा सेल्फ नहीं रहेगा, तो जिससे आपके कार्बन बूस नहीं घिसेंगे, जिसका आपका मेंटेनेंस कम रहेगा सेल्फ का, और बैटरी की लाइफ इसलिए बढ़ेगी क्योंकि लिक्विड वो कम नहीं हो रहा और लंबे टाइम चलेगी बैटरी। ये क्या दिया गया भैया? ये ड्राई फिल्टर रहता है, आज के टाइम पे तो दोनों चीज़ें आ रही है, ड्राई भी आ रहा है वेट भी आ रहा है, एयर क्लीनर। ड्राई 90% तक एयर को प्योरीफाई करता है, और जो वेट रहता है वो करता है 60% तक, तो ड्राई फिल्टर बेटर रहता है, इसलिए हमारे ड्यूस फार्म में ड्राई फिल्टर आता है। इसमें डबल एलिमेंट फिल्टर रहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, ठीक है जी, डबल प्योरीफिकेशन होता है इस चीज़ का। ये क्या है? आप ये रेडिएटर रहता है सर, इससे पहले हम आएंगे यहाँ पे, जैसे हर कंपनी की जो शो होती है वो ओपन रहती है, जो कचरा आता है जमींदार जैसे तूड़ी रिपर सुपर सीडर में रोटावेटर में यूज़ करता है, तो कचरा रेडिएटर के आगे लग जाता है, जिससे ट्रैक्टर गर्मी भी उठाते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे आप तूड़ी रिपर चला रहे हैं तो इसके अंदर आपको जैसे कि पूरा इन्होंने कॉम्पैक्ट साइज बना रखा है, पूरा कवर हो जाता है, जिससे कि कचरा अंदर नहीं आता। ठीक है सर, जो इसके ये डेंगल्स लगा रखे हैं साथ साथ में, यहाँ पे थोड़ा एक जाली होती है, गैप रहता है वो ट्रैक्टरों में, ये पूरा सील्ड है। अच्छा, ये शो बंद होने के बाद पूरा सील्ड हो जाता है। दोबारा दिखाओगे जी ना, हाइड्रोलिक है, ठीक है। हाँ जी, ये आप देखो यहाँ पे रबड़ का है जिसे स्क्रैच ना पड़े, और ये पूरा सील्ड हो गया, पूरा कॉम्पैक्ट हो गया सर। यहाँ से एयर पास हो जाएगी? हाँ, एयर यहाँ पे अदर ब्रांड के मुकाबले में इसका जो एयर का सर्कुलेशन है फास्ट रहता है अदर ब्रांड के मुकाबले में। इसकी शेप भी ऐसी है ना, एरोडायनामिक? हाँ, एरोडायनामिक, जिससे हवा जो आएगी फ्रिक्शन ना बढ़े ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है जी, हवा जल्दी से कट के साइड में हो जाए, फोर्स ना बढ़े। में जैसे कि हर जैसे शो होती है, हर शो के अंदर क्या है, 2 या 3 या 4 पल्ले खोलने पड़ते हैं, अगर इजिली मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें सिर्फ पुश बटन रहता है, ये पुश करेंगे तो ये शो आपकी पूरी ओपन हो जाएगी, और जो विजिबिलिटी रहेगी वो आप पूरे ट्रैक्टर को चेक कर सकते हैं जमींदार। अदर ब्रांड में अलग अलग शो के पल्ले रहते हैं, उसमें थोड़ा कंफर्ट नहीं रहता कस्टमर के लिए, अगर वो चेकअप भी करना चाहता है ट्रैक्टर अपना, चाहे कूलेंट का टैंक चेक करना है, ड्राई फिल्टर चेक करना है, फैन बेल्ट चेक करनी है, कुछ भी। हाँ जी, एक इस ट्रैक्टर की सबसे बड़ी खासियत है जी, जो अदर ब्रांड रहते हैं, जो लगभग सभी कंपनियों के ट्रैक्टर सभी ब्रांड्स, वो एयर का जो सर्कुलेशन होता है वो पाव में आता है, जिससे क्या जी हीट पाव में आएगी तो कल को उसके ड्रॉबैक रहते हैं, जमींदार कंफर्ट फील नहीं करेगा चलाने के लिए, जो इसका एयर का सर्कुलेशन और उससे फास्ट है, और दूसरी बात ये पाव के अंदर नहीं आता, ये साइड से जाता है अगले टायर के साइड से। अगर आप रोटावेटर में यूज़ कर रहे हैं तो 70% जो मिट्टी होती है वो ड्राइवर पे नहीं आती, 30% बहुत ही रेयर चांस है वो आ पाएगा, अदर ब्रांड में मिट्टी ड्राइवर पे आती रहती है, क्योंकि एयर का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है वो मिट्टी नहीं आने देता, क्योंकि अंदर की तरफ नहीं आ रही, बाहर की तरफ हवा जा रही है। और दूसरी बात क्या है, एयर सर्कुलेशन इतना फास्ट क्यों है अदर ब्रांड के मुकाबले में, क्वेश्चन बनता है अपना, तो इसके अंदर क्या है, 3 टाइप के फैन आते हैं ट्रैक्टरों के अंदर, एक तो होता है फाइबर का जो प्लास्टिक का फैन होता है, एक आयरन का लोहे का फैन, एक ये है सर एल्युमिनियम का फैन। जो अगर हम बात करते हैं लोहे का फैन की बात, तो लोहे के फैन में क्या है, वो वेट ज़्यादा होता है, जिससे वाटर बॉडी का बैरिंग टूट जाता है जल्दी से, और प्लास्टिक का फैन में क्या होता है, जैसे ट्रैक्टर 8 से 10 घंटे रेगुलर चलता है तो जो प्लास्टिक का फैन है वो बैंड खाने लग जाता है, और उस वजह से वो एयर पूरा सर्कुलेट नहीं कर सकता इंजन को, जिससे इंजन हीटअप होता है, अदर ब्रांड के ट्रैक्टर शो उतारते हैं अगर रेगुलर 8 से 10 घंटे की वर्किंग है ट्रैक्टर की। और इसमें क्या कर दिया कंपनी ने, एल्युमिनियम का फैन दे दिया, इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है एल्युमिनियम ठंडा रहता है, पहली बात तो जो हवा होगी वो ठंडा करके देगा,
और दूसरी बात, ये बैंड नहीं खाएगा क्योंकि एल्युमिनियम हो गया। तीसरी बात ये रहती है कि लाइट वेट हो गया, जिससे वाटर बॉडी का बैरिंग पे जोर नहीं आएगा, ब्रेकडाउन नहीं बनेगा वाटर बॉडी का। ठीक है जी, अब बात करते हैं इंजन की। सर इसमें तीन सिलेंडर इंजन है, 3000 cc का और 2200 रेटेड RPM का ट्रैक्टर है सर। और जो भी सिलेंडर रहते हैं वो इंडिविजुअल रहते हैं, अदर ब्रांड में कॉमन रहते हैं सिलेंडर, जो हेड रहेगा वो कॉमन रहेगा, अपना इंडिपेंडेंट है। और इसमें वन एक हेड से दूसरे हेड में भी गैप रहता है। ये देखो जी, आप गैप आप यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से आपको दिखेगा आर पार, अलग अलग सिलेंडर रहते हैं। जो इसकी डिजाइनिंग है वो ट्रैक्टरों से अलग है बिल्कुल। जैसे कि आप देखेंगे ड्यूस फार के ट्रैक्टर में जो कूलिंग सिस्टम रहता है वो तीन टाइप से रहता है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला कूलिंग सिस्टम रहता है ऑयल का, जो मोबिल रहता है उसका ऑयल का कूलिंग सिस्टम इसलिए ज़्यादा रहता है, हर सिलेंडर के लिए स्प्रे जेट रहते हैं इसके अंदर। आपका ट्रैक्टर मूवमेंट कर रहा है ऊंचाई पे या ढलाई पे, तो जो मोबिल होगा वो आगे या पीछे जाएगा, जिससे सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिल पाती हर सिलेंडर के पिस्टन को, जिससे क्या वो हीटअप होएगा, उससे क्या है जल्दी से उसका इंजन ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इसमें क्या रहता है कि तीनों को एक मिनट के अंदर लगभग 1.5 लीटर की सप्लाई हर सिलेंडर पे, हर पिस्टन पे मिलती है आपको। एक तो रहता है सर ये मोबिल का, दूसरा रहता है एयर का सर्कुलेशन, जो इसका इनहेल करता ना एयर, तो इसका एयर सिर्फ इंजन पे इंपैक्ट करता है, सर्कुलेशन औरों से फास्ट है, तो इसलिए एयर का सर्कुलेशन की वजह से ना शो उतारने की रिक्वायरमेंट आपको, और ना ही आपको मतलब इंजन की लाइफ घटती, इस इंजन की लाइफ बढ़ती इससे। और तीसरा जो कूलिंग सिस्टम रहता है जी इसका, किसी भी ब्रांड के अंदर आपको जो रेडिएटर में कूलेंट रहता है, वाटर रहता है, वो पहले सिलेंडर में जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा। किसी भी ट्रैक्टर का इंजन तीसरा सिलेंडर सबसे जल्दी खुलता है, क्योंकि तीसरे सिलेंडर को सबसे ज़्यादा हीट मिल रही है। अपने ड्यूस फार के अंदर आपको तीनों सिलेंडर को इक्वलेंट सप्लाई मिलेगी, जो टेम्परेचर फर्स्ट सिलेंडर का होगा वही टेम्परेचर थर्ड सिलेंडर का होगा, जिससे क्या आपकी इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी। तीसरी बात आपकी क्या है, पावर पूरी मिलेगी। अगर पावर टेम्परेचर कॉमन है तो पावर भी बराबर बनेगा तीनों सिलेंडर में, पावर बराबर बनेगा तो वाइब्रेशन नहीं रहेगा ट्रैक्टर के अंदर, और उससे क्या होगा जी आपका मेंटेनेंस भी कम रहेगा, वियर टियर कम रहेगा इसमें। ये क्या दी गई जो रेड कलर की, ये सर क्या है, ये टर्बो रहता है, ये इंटरकूलर रहता है, जो इसकी वर्किंग रहती है वो तीन के कम्बिनेशन से रहती है। टर्बो इंटरकूलर का काम रहता है जो बाहर का टेम्परेचर है, जैसे 42-40 उस गर्म हवा है उसको ठंडा करना, तो इसको कंप्रेस करेगा, इसमें ठंडी करके इसके अंदर डालेगा। अब जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग रहती है एरिया के हिसाब से, तो इसमें क्या है EGR के सिस्टम भी रहता है, जिससे जो टेम्परेचर है इसके अंदर वो ज़्यादा ठंडा हो गया तो वो काम नहीं करेगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए एग्जॉस्ट के साथ इसका कनेक्शन रहता है, और उसके बाद ये इनहेल करता है सिलेंडर के अंदर, जिससे क्या है जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सफिशिएंट हो जाती है, जिससे आपकी पावर और माइलेज बढ़ती है। अकेला आप टर्बो लगाने से आपका ट्रैक्टर काम नहीं करेगा, टर्बो 5 HP तक बढ़ा देती है आराम से, वो जब भी काम करेगा जब आप ये तीनों चीजों का कंबिनेशन होगा इसके अंदर। टायर में हमारी कंपनी सिर्फ MRF ही देती है ट्रैक्टर के अंदर, जैसे अपोलो, JK, बिड़ला, ये टायर हमारे ट्रैक्टर में नहीं आते, सिर्फ MRF ही मिलता है सर हमारे ट्रैक्टर में। एक इस ड्यूस फायर ट्रैक्टर के अंदर और ट्रैक्टरों से अलग इसलिए है, अगर आपने सुना होगा कोई भी कस्टमर इसके बारे में फीडबैक देता है यही बोलता है, कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर हो तेल खाएगा तो जोर लगाएगा, या तेल नहीं खाएगा तो जोर नहीं लगाएगा। ये ब्रांड तेल भी कम खाता है औरों से और पावर भी ज़्यादा लगाता है। इसके पीछे इसका जो मेन लॉजिक रहता है वो रहता है इसमें, हर कंपनी में माइको रोटरी पंप रहते हैं, इसमें वो कोई सा भी पंप नहीं है, इसके अंदर खुद का कंपनी का गवर्नर रहता है। ठीक है जी, जो गवर्नर रहता है कंपनी का, इसकी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग रहती है। जैसे गवर्नर है ना, तो इसकी वर्किंग क्या है, जैसे कि अदर ब्रांड है कोई भी 50 HP ट्रैक्टर है, एक फ्यूल डिलीवरी होती है, जैसे कि पंप तेल की सप्लाई करता है नोजल के थ्रू,
अब डिपेंड करता है वो कितनी फ्यूल डिलीवरी दे रहा है। जैसे 50 एचपी ट्रैक्टर है, 120 ग्राम का सप्लाई की रिक्वायरमेंट है 50 एचपी के लिए, उदाहरण के लिए आप चीज समझो इस चीज को। तो इसमें क्या होता है, जैसे ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, स्टार्ट के लिए कंजप्शन कितनी चाहिए, जैसे स्टार्ट होने के लिए तो सिर्फ फ्लाई व्हील ही रोटेशन लेगा, अपना वेट तो आगे नहीं लेके जा रहा है ट्रैक्टर स्टार्ट होने में, तो रिक्वायरमेंट है 40 ग्राम की। अदर ब्रांड में आपको 120 ग्राम की सप्लाई मिल रही है। अगर आप खाली चलते हैं, सिर्फ अपना वजन लेके चलना और एक इंप्लीमेंट को खाली लेके चलना होता है, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट 70 से 75 ग्राम की रहती है। ड्यूज फार वहाँ 70 से 75 ग्राम देगा, अदर ब्रांड आपको 120 ग्राम की सप्लाई देंगे। अगर लोड जैसे पावर लगाने की रिक्वायरमेंट आती है लोड पे, तो उस टाइम पे क्या है, अदर ब्रांड 120 ग्राम की ही सप्लाई फिक्स रखेंगे अपनी, ये 120 ग्राम की सप्लाई उस पे भी देगा। अगर ओवरलोड होता है तो उस टाइम पे अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है 130 140 ग्राम की, तो ये सप्लाई उसको पास ऑन कर देता है उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम तक उस पे लोड है। तो जैसा लोड रहेगा उसी के हिसाब से तेल की कंजप्शन रहेगी। आज के ट्रैक्टरों में क्या है, जो 50 एचपी 55 एचपी ट्रैक्टर है खाली भरे बराबर रहते हैं। जो हमारा ब्रांड है खाली के माइलेज ओरो से बहुत बेटर मिलती है, लोड के अंदर भी ओरो से बहुत बेटर मिलेगी, क्यों, जो इसकी वर्किंग है वो गवर्नर के थ्रू है और गवर्नर का भी इजिली मेंटेनेंस रहता है। ऐसा नहीं कि भाई इसका मेंटेनेंस हाई रहता है, ये पुर्जा वैसे ख़राब नहीं होता है जी, कंपनी का खुद का बनाया हुआ है। और इसमें जैसे ये नोजल है, नोजल के लिए सेपरेट पंप रहते हैं इनके, ठीक है जी। इसमें क्या रहता है, जैसे बाय चांस रिपेयर कराने के लिए डीजल पंप में या किसी के ब्रांड में दिक्कत आती है, तो मैकेनिक उसको खोलता है और पंप वाले के पास लेके जाता है। तो इसके अंदर आपको पंप वाले के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये काम आपका डीलरशिप पे हो जाएगा। ये इसके पीछे का रीज़न क्या रहता है, क्यों यहाँ पे ऐसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, कंपनी ने हमें किट दे रखी है टेम्परेचर मीटर की, हर सिलेंडर ये 10 नंबर का नट रहता है, ये तीनों नट खुलेंगे, टेम्परेचर गेज लगेगा, जो उसकी ट्यूनिंग होती है वो डीलरशिप पे मैकेनिक ट्रेंड रहते हैं वो इसकी कर देंगे, आपको बिना खोले आपका ट्रैक्टर सेट हो जाएगा यहीं की यहीं। अदर ब्रांड में क्या रहता है, जो भी पंप सिस्टम रहता है उससे तीन नोजल निकलती है, तीन सिलेंडर है, तो इसका जो पंप रहता है वो इंडिविजुअल रहता है, गवर्नर के साथ इंडिविजुअल पंप रहता है, तीन सिलेंडर है तो तीन ही पंप मिलेंगे आपको, और जिसका इजीली मेंटेनेंस रहता है अदर ब्रांड के मुकाबले में, और के मुकाबले में लाइफ कैसे बेटर है इंजन की, जो थ्री टाइप का कूलिंग सिस्टम है उस वजह से इंजन की लाइफ ओरों से बेटर है। और जैसे कि हम बात करेंगे, अगर कल को मेंटेनेंस बनता है एक सिलेंडर में, तो आप इजीली एक सिलेंडर का मेंटेनेंस अलग से करवा सकते हो, जैसे 20% में कोई दिक्कत आई और चीज़ 100% खोलनी पड़े तो खर्चा बढ़ेगा ज़मींदार का, तो अगर इसका 20% में कोई दिक्कत आ रखी है तो 20% रिपेयर हो जाएगा। बात आगे करते हैं, जैसे फ्यूल टैंक है कंपनी का, और के मुकाबले में जो फ्यूल टैंक होता है अदर ब्रांड का, अदर ब्रांड में क्या रहता है, जैसे कि जो ऑयल आता है वो नीचे से आता है सभी ट्रैक्टरों में, हर ब्रांड में नीचे से आएगा, हमारे ट्रैक्टर के अंदर जो ऑयल सक करेगा वो ऊपर से आएगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं जो ये क्या कारण है भैया, इसमें क्या रहता है, जैसे कि कुछ कचरा आता है या वेपोरेशन प्रोसेस बनती है टैंक के अंदर, उससे क्या होता है, जैसे कि नीचे से आएगा तो वो पंप के अंदर जल्दी जाएगा, और जैसे ऊपर से ही नेल करेगा तो वो कचरा नीचे बैठा रह जाता है, तो साफ तेल ऊपर से लेता है, कचरा इनहेल नहीं कर पाएगा, तो आपकी लाइफ कम नहीं होगी प्रोडक्ट की। तो एक और इसमें फ़र्क है, जैसे आपका इसका फ्यूल टैंक है हर ब्रांड के अंदर, जैसे कि आप देखेंगे जब तक इसमें की चाबी नहीं लगेगी जब तक ये फ्यूल टैंक खुलेगा नहीं। अच्छा, एक चोरी होने का डर भी कम रहता है, अगर ट्रैक्टर खेत में खड़ा है तो कोई चोरी नहीं कर सकता, चाबी इसकी खुद की लगेगी, फ्री रहता है, खुलेगा नहीं कोई कस्टमर चाहे तो इसको जोर लगा के भी खोलना चाहे तो ये फ्री रहता है, खुलेगा नहीं किसी भी पोजीशन पे, चाबी हाँ सेफ्टी है, चाबी लगने के बाद ही खुलेगा। भी आपके ना ये पेंट में कुछ अलग बात है और जो कि मैं यार कोई शाइन भी काफ़ी मार रहा है, ये क्या है, पाउडर कोटेड पेंट रहता है सर, MNC कंपनी है, क्वालिटी तो अच्छी यूज़ करती है हर चीज़ में। अच्छा, और जो सक्शन रहता है आपको दिखा देता हूँ, उससे करता है डीजल, ये आप देख रहे हैं ये पाइप आ रही है ऊपर से, और ट्रैक्टरों में जो सक करेगा वो नीचे से करेगा। इसमें एक और इजीली आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर बाय चांस तेल ख़राब आ गया या
कचरा आ गया ट्रैक्टर के अंदर, तो आपको इसके अंदर एक एलगी लगानी पड़ेगी और ये यहाँ से ये कैप खोल के आप पूरी बिना खोले टैंक को, बिना शो उतारे इस टैंक की आप सफाई भी कर सकते हैं घर पर। अच्छा, घर पे भी? हाँ, घर पे इजीली मेंटेनेंस है, मैकेनिक के पास जाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर हम बैक की तरफ आते हैं तो भैया बैक साइड से इसको ना औरों से अलग क्या बना रहे, इसमें मेन बातें क्या है? सर, जो ट्रैक्टर बनता है वो एक पार्ट से नहीं बनता, उसके अंदर इंजन का भी रोल रहता है, गियर का भी रहता है, लिफ्ट का भी रहता है, PTUHP का भी रहता है। जो हमारे ट्रैक्टर के अंदर अगर लिफ्टों की बात हम करें, अगर कोई भी ब्रांड है मार्केट के अंदर लिफ्ट सेंसिंग की बात होती है, जो जैसे कि ओलेज के काम है, कल्टीवेटर है, प्लोइंग है, तो उसके अंदर जो धसके चलने वाले सेंस है उनके लिए लिफ्ट सेंसिंग बेटर चाहिए। जो हमारे ट्रैक्टर में है सभी ब्रांड से बेटर लिफ्ट सेंसिंग रहती है, आपको बाल भर के इशारे के हिसाब से कंट्रोलिंग करता है ट्रैक्टर, ठीक है सर। और अगर जैसे आज के टाइम पे इम्प्लीमेंट्स आ रखे हैं, जैसे PTU इम्प्लीमेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, सुपर सीटर है, ये रोटावाइटर है, तो उसमें क्या रहता है उनका वेट ज़्यादा रह, आजकल वेट ज़्यादा हो गया इम्प्लीमेंट्स का, लगभग सुपर सीटर 12 से 13 क्विंटल का रहता है वेट में। तो इसमें क्या है सर, जो अदर ब्रांड की कैपेसिटी रहती है 50 HP में 1500-1700 के आसपास रहती है लिफ्टिंग कैपेसिटी, हमारे ब्रांड का 2260 kg का लिफ्टिंग कैपेसिटी बेसिक है, जो कि पहले होल पे है। ये तीन होल है सर, 200 kg हर होल में बढ़ जाएगा, जो इस पे 2260 का कैपेसिटी है बेसिक हमारा। और लिफ्ट सेंसिंग बेटर है सर औरों से। इसमें एक और खासियत है, अगर आपने जैसे अभी हमने लीवर उठा रखा है, अदर ब्रांड में क्या है, ट्रैक्टर बंद होने के बाद अगर आप रोटावेटर एंगेज कर रखा आपने, एक रात दो रात में हर कंपनी का ट्रैक्टर लिफ्ट डाउन कर देता है। ये हमारे ब्रांड की खासियत है, अगर इसने ट्रैक्टर आप स्टार्ट नहीं करोगे जब तक इसकी वर्किंग लिफ्ट की बंद कर देता है। अगर आप एक महीना या 6 महीने या साल के बाद भी स्टार्ट करते हैं तो लिफ्ट वहीं की वहीं मिलेगी। जैसे कि अभी मैं आपके सामने लिफ्ट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है जी, दोनों लीवर मैंने नीचे डाल दिए हैं, तो ये लिफ्ट नीचे नहीं गिरेगी। अच्छा, कितना जोर मार लो है? हाँ जी, ये जब ही काम करेगी, इसका सेफ्टी फीचर है एक तरीके से हम देखा जाए तो। जैसे कि आप रोटावेटर है, रोटावेटर के ब्लेड्स बदल रहे हैं, तो जैसे आपने लिफ्ट उठा दी, ट्रैक्टर बंद है, बाय चांस बच्चा आ जाए, तो ट्रैक्टर तो बंद है, चाबी भी निकाल रखी है, बच्चा लीवर भी डाउन कर देता है, अदर ब्रांड में लिफ्ट नीचे आ जाएगी बंद होने के बाद। ट्रैक्टर ये बंद होने के बाद से आप लीवर अप एंड डाउन कितनी बार करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आपका ट्रैक्टर स्टार्ट होगा जब ही आपकी लिफ्ट अप एंड डाउन करेगी। ये सेफ्टी फीचर इसलिए होगा क्योंकि अगर नीचे काम कर रहा है तो उसके ऊपर रोटावेटर आ जाएगा तो वह उसको मतलब चोट लग सकती है, इंजरी हो जाएगी जी। और जैसे कि लिफ्ट की हम बात कर रहे थे, लिफ्ट सेंसिंग बेटर है औरों से, लिफ्ट कैपेसिटी हाई रहता है। अगर कल को मेंटेनेंस की बात करते हैं लिफ्ट के अंदर, हर कंपनी के अंदर कोई जैसे प्रॉब्लम आती है तो हर कंपनी का ये टापा रहता है, गेयर लिफ्ट टापा हर सभी का खुलेगा। हमारे में क्या है सर, ये पार्ट एक्सटर्नल में दे रखा है, तो इजीली क्या है, कल को मेंटेनेंस बनती है और टापा नहीं आपको खोलने की जरूरत, यहीं से ये रेक्टिफाई हो जाएगा। कस्टमर सोचता है जैसे ट्रैक्टर लेने के लिए, वो क्या करता है, वो अपने नियर बाय से जमींदारों से सलाह लेता है। दरअसल क्या है, टाइम टू टाइम एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस हिसाब से तो इम्प्लीमेंट्स भी बढ़ रहे हैं। आज से पहले हैरो कल्टी का जो इम्प्लीमेंट्स था वो मेन हुआ करता था और हैरो के साइज़ भी छोटे हुआ करते थे, अब क्या इम्प्लीमेंट्स का साइज़ भी बढ़ गया है और PTU ऑपरेटेड इम्प्लीमेंट्स भी बढ़ गए, उस वजह से और ट्रैक्टरों के अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो हो नहीं पाती, जिस वजह से जमींदार को ट्रैक्टर बार बार बदलना पड़ता है। ड्यूज फॉर ट्रैक्टर के अंदर ऐसी, अगर कल को 5 साल के बाद ऐसी कोई मॉडिफिकेशन आती है इम्प्लीमेंट्स में, आपको ट्रैक्टर चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके पीछे एक कारण ये है, सबसे पहले हम बैक में खड़े हैं तो एक चीज़ देख लेते हैं, ये PTU है साफर्टा कंपनी का, यहाँ पे कैप लगा रखा है, डम्मी कैप है कंपनी का कास्टिंग का। अगर कल को कोई PTU में मॉडिफिकेशन आती है 2030 में 2035 में, हर ब्रांड में आपको PTU के मॉडिफिकेशन की वजह से ट्रैक्टर चेंज करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको वो मॉडिफिकेशन, आप कोई सा भी मॉडल हो, 10 मॉडल हो, 20 मॉडल हो, 21 हो, हर ड्यूज फार के हर ट्रैक्टर के अंदर PTU मॉडिफिकेशन का स्टैंडर्ड ऑप्शन दिया जाता है, जिसको आपको ट्रैक्टर चेंज करने की रिक्वायरमेंट बार बार नहीं पड़ती। एक और इसकी खासियत रहती है, जैसे आप AC कैबिन की बात कर रहे थे, दरअसल क्या जी, जमींदार है एक बार ट्रैक्टर तो ले लेता है, बार बार चेंज करेगा तो फाइनेंस को भी पैसा देना पड़ता है, डीलर को भी देना पड़ता है, RC के लिए भी पैसा देना पड़ता है, वेस्ट ज़्यादा होता है जमींदार का पैसा। हमारे ट्रैक्टर में जैसे आज जमींदार है, उसका हेल्थ ठीक है, चलो आज से 2 साल बाद जैसे उसको कोई परेशानी होती है हेल्थ में, कल को उसको अपना घर भी चलाना होता है, क्यों, काम नहीं करेगा तो फिर घर नहीं चलेगा।
तो उसको ट्रैक्टर भी चलाना पड़ेगा काम करने के लिए। तो इसके अंदर क्या है, एसी कैबिन का ऑप्शन दे दिया, जैसे किसी कस्टमर को दमे की शिकायत या सांस की तकलीफ है, ये फ्लैट प्लेटफॉर्म इसलिए दिया जाता है, इसके अंदर जो एसी कैबिन का सिस्टम रहता है ना वो स्टैंडर्ड रहता है। और वो और दिखा देते हैं आपको ये कैसे होता है। ये डमी प्लग लगा रखे हैं कंपनी ने, ये डमी प्लग होते हैं इनके, ये एसी कैबिन के लिए रहते हैं। और ये फ्लैट प्लेटफॉर्म इसलिए रहता है क्योंकि नॉन एसी से एसी करें ज़्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत ना हो, जो स्टैंडर्ड रहती है कंपनी की पार्ट्स आएगा वो इस पर असेंबल्ड हो जाएगा। अच्छा, नॉन एसी से एसी। एक और इसकी जो तीसरी मॉडिफिकेशन है, जैसे जमींदार ने ट्रैक्टर ले लिया 50 HP का सर, अब क्या रहता है, जैसे कि इम्प्लीमेंट्स बढ़ते हैं, इम्प्लीमेंट्स बढ़ते हैं तो 50 HP जमींदार फील करता है कि भाई मेरा ट्रैक्टर छोटा रह गया। तो कल को क्या है जी, जो टू व्हील ड्राइव होता है, जैसे कि टू व्हील ड्राइव के अंदर जो पावर लगाता है वो एक ही टायर लगाता है पावर, तो इसमें क्या रहता है, आपको 2 से 4 व्हील करना हो हर ब्रांड में आपको ट्रैक्टर चेंज करना पड़ेगा। इस ब्रांड के अंदर आपको स्टैंडर्ड मॉडिफिकेशन दे रखी है, वो जो कि आपको दिखा देते हैं, बैठिए आप। यहाँ पे एक डमी प्लग लगा रखा है, थोड़ा नीचे देखो आप, आगे की तरफ दिख रहा है, दिख रहा है, डमी प्लग लगा रखा है। आपको सिर्फ क्या करना होगा, ये कैप हटा के यहाँ पे एक साफट एंगेज करना होगा, और जो ये फ्रंट एक्सल है ये ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला एक्सल, सिर्फ ये वाला एक्सल आपको एक परचेज करना पड़ेगा। आप कभी भी 2 व्हील से 4 व्हील कर सकते हो और 4 व्हील से 2 व्हील कर सकते हो। उसके करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये 4 नट है, जैसे आप ये देखेंगे ये नट आपको खोलने होंगे, और जो 4 व्हील का एक्सल है वो एंगेज करना होगा और ये टाइट कर देना, ये 4 व्हील हो जाएगा। अच्छा, इजीली है, इजीली हो जाएगा, जमींदार खुद कर सकता है, घर पे भी कर सकता है। इसमें क्या है सर, 4 ही नट खोलने होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता, यही खोलो 4 नट। हाँ, ये जमींदार के पास टूल रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कि हम देख रहे हैं, ड्यूज फार आपको एक लोगो लगा के देती है, सेव डीजल ड्राइव ड्यूज का, ये इसलिए लगा के देती है, जैसे कि जो अदर ब्रांड रहते हैं 50 या 55 HP, जमींदार बोलते हैं कि भाई 50 HP से ज़्यादा 55 HP का ट्रैक्टर जोर लगाएगा, क्योंकि जो इंजन है वो अपनी पावर तो जनरेट कर रहा है, वो सीधी पावर अपने टायरों पे नहीं दे रहा, एक्सल पे नहीं दे रहा, उसकी पावर पहले जा रही है गियरबॉक्स के अंदर। जो इस ड्यूज फार ट्रैक्टर का है, जैसे आप कस्टमरों से रिव्यू लेते हैं तो वो कस्टमर कहते हैं जैसे 45 HP है, लगभग 52 का पावर दिखाता है। अदर ब्रांड में जो कहते हैं भाई 50 HP का है, 48 का, 45 का पावर दिखाता है, ये इसलिए डिफरेंस रहता है क्योंकि जो गियर रहता है इंजन से जो पावर मिली वो गियर को, गियर का जो स्पीड्स रहती है वो मैटर करती है। जैसे कि आप अगर बात करें जो मिनिमम स्पीड है पहले लोग के अंदर, कोई ब्रांड आपको 1.5 किलोमीटर की देगा, कोई 1 की देगा, जो इसमें इसके अंदर क्या रहता है, जैसे कि 1 किलोमीटर स्पीड है, अगर 2000 RPM तक हम लेके जाएंगे ट्रैक्टर को, 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर की स्पीड बन जाएगी, तो अगला सेकंड गियर होता है उसके अंदर शिफ्ट करते हैं, जो उसकी गियर की स्पीड स्टार्ट होती है वो 2.5 किलोमीटर से स्टार्ट होती है। जो गैप रहता है एक गियर से दूसरे गियर में, गैप काफ़ी हो जाता है, अगर भारी काम कर रहा है वो तो इसी गियर में करेगा, अगर लाइट मतलब अगर स्पीड वो चाह रहा है इस गियर में बड़े गियर में यूज़ करेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, RPM तोड़ेगा ट्रैक्टर, RPM तोड़ेगा तो फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगी जमींदार की। जो हमारी गियर की स्पीड रहती है, जहाँ पे जो गियर की स्पीड ख़त्म होती है ओवरलैपिंग स्पीड रहती है, जहाँ स्पीड ख़त्म हुई अगले की वहीं से स्टार्ट, अगर आप भारी काम कर रहे हो तो वो अलग गियर में काम करेगा, अगर उससे लाइट काम कर रहे हो जहाँ आपकी स्पीड भी चाहिए माइलेज भी चाहिए वो आपको अगले गियर में मिलेगी, अदर ब्रांड से इसलिए अलग रहता है। और एक और सबसे बड़ी खासियत है गियर की इसकी, जो आज से जो पहले ट्रैक्टर आते थे वो आते थे लो हाई में, ठीक है जी, जैसे ज़माना बदला इम्प्लीमेंट्स बदले, पहले क्या था सर 7 की 6 की एरो चलती थी, आज के टाइम पे चल रही है 9 की 10 की 11 की 12 की 16 की, मतलब 32 तवे तक की हैरो चल रही है आज के टाइम पे मार्केट में। तो क्या हुआ, जैसे जो पहले हाई में ट्रैक्टर खींचता था 6 का 7 का एरो, अब क्या है वो एरो साइज बढ़ने से हाई गियर में नहीं चलेगा, तो कंपनी ने क्या किया, मीडियम गियर का ऑप्शन दिया था, ठीक है सर। हमारा ट्रैक्टर उनसे भी इसलिए एडवांस है क्योंकि जो आज के टाइम पे जो इम्प्लीमेंट्स आ रखे हैं उनके अंदर क्या है, वो जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं आज के टाइम पे ज़्यादा PTO ऑपरेटेड चलते हैं, और जिसके अंदर हर इम्प्लीमेंट PTO का वो लो गियर में चलता है, पहले लो दूसरे लो में। तो सपोज करो अगर आपका ट्रैक्टर पहले लो के अंदर ही दब रहा है तो फिर आपका ट्रैक्टर परफॉर्म नहीं करेगा, क्यों, RPM भी तोड़ेगा, कल्च भी लेगा, कल्च भी वर्न आउट होगा जल्दी से। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं तूड़ी के रिपर के अंदर, स्ट्रो रिपर में, जैसे कि जमींदार जो चलाते हैं, जैसे गिल्ला लान रहता है तूड़ी के रिपर में, वो फर्स्ट गियर में चलाते हैं लो के,
तो उसमें क्या रहता है कि जैसे कि पहले गियर में शिफ्ट करेंगे, आरपीएम तोड़ता है, कल्स बार बार लेते हैं, और बार बार कल्स लेंगे तो कल्स का मेंटेनेंस बढ़ता है, कस्टमर भी कंफर्ट फील नहीं करेगा, और आरपीएम तोड़ रहा है तो फ्यूल भी बढ़ रहा है ज़मींदार का, और फ्यूल बढ़ने से उसकी बचत ख़त्म हो रही है। ठीक है सर, तो इसके अंदर क्या है, जैसे हमारा भी पहला लो के अंदर चल रहा है ट्रैक्टर, और हमारा भी ट्रैक्टर आरपीएम तोड़ रहा है, तो इसके अंदर आपको सुपर लो के 4 गियर और मिलते हैं, उससे एक छोटा गियर आप एंगेज कर लो, क्योंकि जो आज के टाइम पे तूड़ी रिपर सुपर सीडर के अंदर जो चलते हैं ना ट्रैक्टर सर, तूड़ी रिपर के अंदर लगभग एक ट्राली का 7.5 लीटर लेते हैं, वहीं पर हमारा ब्रांड 5 लीटर में चलता है, क्योंकि हमारा आरपीएम नहीं तोड़ता, कल से बार बार नहीं लेता। तो ये गियर की मैचिंग का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दर के मुकाबले में, जो पावर जनरेट होती है वो पूरी यूटिलाइज करता है एक्सल पे, जब ज़मींदार को पूरी पावर मिल पाती है। अच्छा भैया, ये क्या भैया DCIL? ये दरअसल क्या रहता है कि मार्केट में दो टाइप के ज़मींदार जैसे बोल देते हैं डबल क्लच, वैसे डबल कल्स का मतलब क्या होता है सर, वो उसका इंडिपेंडेंट काम होना चाहिए डबल कल्स का, जैसे कि आप कल्स यूज़ कर रहे हो इसी में डबल कल्स है, पहली प्लेट भी आपकी वॉर्न आउट हो रही है और पैडल दबने पे दूसरी भी हो रही है, क्योंकि जमींदार को ये नहीं पता ना जो पहली कल्स है कितने पैडल दबने पे काम करेगी, दूसरी कितने पे। तो हमारे में क्या किया है, हमारे में डबल कल्स रहता है, ड्यूल कल्स नहीं रहता। डबल कल्स का मतलब ये रहता है सर, अगर आपको मेन कल्स यूज़ कर रहे हैं तो ये है, अगर आप PTO का यूज़ कर रहे हैं वो अलग से लीवर है सर उसके लिए, वो इंडिपेंडेंट। अगर आप PTO का यूज़ नहीं करेंगे तो जो कल को मेंटेनेंस बनेगा तो आपका PTO का प्लेट वॉर्न आउट नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा, अगर यूज ही नहीं किया तो घिसेगा नहीं। मैं इसके अंदर जो कैबिन है ये मैं कैसा मिलता है और उस चीज़ को ना अलग वो क्या बना रहे हैं? दरअसल क्या है, जो ट्रैक्टर है सर ड्यूसफार जर्मन बेस है, ये कंफर्ट लेवल भी देखता है ज़मींदार के लिए, अगर ट्रैक्टर कस्टमर 8 से 10 घंटे चला रहा है दिन के अंदर, अगर कंफर्ट नहीं मिलेगा तो वो जल्दी से थकावट फील करेगा और काम ज़्यादा नहीं कर पाएगा इफ़िशेंसी से। तो इसके अंदर क्या है सर, कंफर्ट लेवल देखते हुए पूरा जो भी स्पेस रहता है पूरा ओपन रहता है, और जो भी इसके लीवर्स जो ऑपरेशंस के लीवर रहते हैं जैसे कि स्टेयरिंग है, रेस एक्सेलेटर है, ट्रैक्टर के ऊपर जा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो कंफर्ट मिलता है वो कैसे मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे एक्सेलेटर ये रहता है ऑरेंज कलर में, स्टेयरिंग ये रहता है, गियर लीवर ये रहता है, PTO लीवर ये रहता है, और PTO के अंदर जो ऑप्शन रहता है 540-750 का ये रहता है, और जो पोजीशन और ड्राफ्ट लीवर ये रहते हैं, और जो गियर की स्पीड्स रहती है वो यहाँ से मिलती है आपको। जो भी कंफर्ट रहेगा पूरा कंफर्ट लेवल रहता है यहाँ पे ऊपर, जिससे कस्टमर लंबे टाइम तक काम कर सकता है। दरअसल क्या रहता है, हर ब्रांड के अंदर आपको सादे ब्रेक या तेल के ब्रेक ऐसे मिलते हैं, हमारे सभी मॉडलों के अंदर आपको पावर ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। डबल का मतलब ये रहता है, जैसे कि आप डबल देखेंगे पैडल जो ये रहते हैं जो पाओगे लेग्स के, वो ब्रेक अलग से काम करेंगे, और जो ये पार्किंग ब्रेक रहता है वो अलग से काम करेगा। जैसे कि गाड़ियों में आप देखते हैं तो हैंड ब्रेक अलग काम करता है और पैडल अलग काम करते हैं, जैसे हम इसको एंगेज करेंगे ना पैडल पे पुश नहीं होंगे, आप देखना जैसे आप यहाँ देखेंगे मैं पुश करूँगा तो जैसे पैडल फ्री है, ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं, पावर ब्रेक अलग पार्किंग ब्रेक अलग काम करेगा, पैडल वाले ब्रेक अलग से काम करेंगे। और इसके अंदर क्या रहता है, OIB का मतलब है जो डिस्क रहेगी, आपका ट्रैक्टर स्टार्ट हो या बंद हो उससे कोई मतलब नहीं रहता, जो आपकी डिस्क रहती है हर टाइम ऑयल में डूबी रहेगी। जैसे कि अदर ब्रांड में क्या रहता है, पाइप लगा देते हैं, जैसे ब्रेक प्रेस करोगे जब ही ऑयल का स्प्रे लगता है, हमारी हर टाइम डिस्क ऑयल में रहती है। पावर ब्रेक का मतलब है हाइड्रोलिक ऑपरेटेड, मास्टर सिलेंडर ऑपरेटेड रहते हैं हमारे। अगर हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, जैसे कि आप सभी ट्रैक्टरों के ट्रैक्टर देखते हैं, इसके अंदर वो ट्रैक्टरों से अलग इसलिए है, जैसे आप ये देख रहे हैं पाइप के साथ नटर लगा हुआ है, यहाँ पे दो लगे हुए हैं। गियर बॉक्स के अंदर टॉप सॉफ्ट लुब्रिकेशन रहता है, वो भी डबल सॉफ्टों के थ्रू। अदर ब्रांड में क्या रहता है, जैसे कि हाइड्रोलिक ऑयल होता है वो लगभग 70-68 लीटर तक होता है, जिससे क्या है जैसे कि डीलर तो सेल कर देता है या कंपनी सेल कर देती है, तो उसको बार बार फिल कराना पड़ेगा ज़मींदार को, जिससे उसका हाईली मेंटेनेंस रहेगा। तो 35 लीटर रहता है इसके अंदर जो कि काम करेगा। अब क्या रहता है, जैसे गियर बॉक्स इतना रहता है उसके हाफ तक तेल होता है, अब जो गियर लगे होते हैं वो अपने पे डालते हैं। अब जैसे कि ट्रैक्टर मूवमेंट कर रहा है ऊंचाई पर,
तो क्या होगा, तेल पीछे आ जाएगा तो ये पोर्शन सूखा चलेगा, लगभग 40-45% सूखा रहेगा। अगर कोई चीज़ सूखी चलेगी तो वो जल्दी घिसाई पकड़ेगी, घिसाई पकड़ेगी तो उससे ये बैरिंग भी ब्रेक हो सकता है, गियर भी ब्रेक हो सकता है। इसके अंदर क्या रहता है, 35 लीटर रहता है। कम तेल में ज़्यादा काम कैसे, क्योंकि जो साफट रहेगी इसके अंदर, जो पावर स्टीयरिंग की वापसी पाइप होती है, जो वापसी तेल जाता है पावर स्टीयरिंग का, वो इनके थ्रू जाता है प्रेशर के थ्रू, वो स्प्रे का काम करते हैं, जिससे क्या इसका लुब्रिकेशन जो प्रोसेस है और उससे फास्ट है, जिससे वियर एंड टीयर गियरबॉक्स की बिल्कुल जीरो हो जाती है। जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे कि जो मेंटेनेंस पे हम जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक जैक है कंपनी का, तो हर ब्रांड के अंदर क्या देखेंगे आप, जो यहाँ पे एंड होता है, बाय चांस वो एंड ख़राब हो जाता है तो ये साफट कंप्लीट चेंज करनी पड़ती है, जिसकी कॉस्टिंग 4000 के करीबन राउंड ऑफ में रहती है। तो हमारे ट्रैक्टर में क्या है, यहाँ पे बूस्ट डलता है, तो अगर आपका मेंटेनेंस बनेगा तो आप 100-200 रुपये में आपका इजीली मेंटेनेंस हो जाएगा, आपको कंप्लीट साफट चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। और दूसरी बात क्या रहती है, जैसे कल को पावर स्टीयरिंग और लिफ्टों के जो पंप होते हैं वो साथ में रहते हैं, उसमें क्या रहेगा, जो ये पंप है ये अलग अलग दिए हुए कंपनी ने, अगर आपके एक पंप में प्रॉब्लम आती है तो एक ही चेंज होगा, ऐसा नहीं कि आपको दोनों पंप चेंज करने पड़ेंगे, जो ईजिली मेंटेनेंस रहता है। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो आप कंफर्ट फील करते हो, हर ब्रांड हमारे ड्यूस फार के हर मॉडल में आपको सस्पेंडेड पैडल मिलेंगे, जिससे आपका कंफर्ट लेवल अच्छा रहता है। जैसे कि जमींदार ट्रैक्टर चलाता है तो जैसे कि लेज़र लेवलर का काम रहता है, हर जमींदार क्या करता है, जो लेज़र लेवलर के अंदर जमींदार रस्सी एंगेज करता है, रस्सी बांधता है इसको करने के लिए, प्रेशर बना रहे, लेज़र लेवल अप एंड डाउन करता रहे। तो इसमें क्या है जी, ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम दे रखा है डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, जैसे कि आप रस्सी बांधने का रिक्वायरमेंट नहीं है लेज़र लेवलर के अंदर, आप इसको ऐसे एंगेज कर दोगे तो ये अपना वर्किंग करेगा, आपको न्यूट्रल करना तो इसको नीचे कर दो। भाई कुछ ऐसा मिलेगा आपको जो ट्रैक्टर आपने भी देखा, बताना कि आपको कैसे लगा और आपको इसका बेस्ट पार्ट है वो क्या लगा। अब चलिए जानते हैं इनसे, इनका नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है और इनके शोरूम की लोकेशन क्या है। नमस्कार भाइयों, मैं दीपक देशवाल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और ड्यूज़ फार के रिगार्डिंग अगर इससे ज़्यादा आप जानकारी चाहते हैं, मेरा नंबर है 9017978213, शामी ड्यूज़ फार डीलरशिप हिसार हरियाणा। लोकेशन रहेगी हमारी मिर्ज़ापुर चौक दिल्ली बाईपास हिसार। भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्या फिर आप मेरे को सब्सक्राइब कर जाना, ठीक है। और आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, देख क्या रहो आपकी स्क्रीन पे मेरा हैंडल आ रहा है। और गाइज मैं मिलूंगा आप सभी से कल एक नई वीडियो के साथ, और बताना कि आप मुझे कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखें, ठीक है। बाय बाय।